मैं यहाँ और नहीं रुक सकती। इससे पहले कोई मुझे देखे मुझे जल्दी निकल जाना चाहिए। प्रज्ञा कहाँ जा रही हो तुम? वो मैम मेरी मम्मी का फोन आया था, उन्हें ना कुछ कुछ अर्जेंटली चाहिए था तो मैं घर जा। मैडम टाइम देखे अभी लंच टाइम भी नहीं हुआ, यानी हाफ डे भी नहीं, ये सब नहीं चलेगा यहाँ पे। घर का काम घर पे और ऑफिस का काम ऑफिस में। तो बैग रखो और चलो मेरे साथ। मैम प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, मैं आधे आधे घंटे में वापस आ जाऊंगी बस। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रज्ञा, तुम्हें नहीं पता अभी ऑफिस आ चुका हुआ है, जहाँ पे कितना प्रेशर है, काम का कितना प्रेशर है, सॉन्ग रिकॉर्डिंग प्लानिंग सब कुछ बाकी है, और अभी को किस तरह की प्रमोशन चाहिए होती है यू डोंट हैव एनी आइडिया। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, कुछ भी गड़बड़ हो गई ना तो ये कंपनी बंद हो जाएगी, और कंपनी बंद हो गई तो हमें नौकरी नहीं मिलेगी। अब बताओ ये ऑफिस का काम जरूरी है या घर का? मैम आप हैरी को भेज देती हूँ, आंटी को जो भी सामान चाहिए वो दे देगा। ये बैग रखो और चलो मेरे साथ। लेकिन मैम आप नहीं समझ रही, लेकिन कुछ नहीं, जस्ट कम विद मी। तुम यहीं खड़ी रहना, मैं बताती हूँ तुम्हें क्या करना है, ओके? You don't even think about it. ITC? ITC? Is that clear? Yes. Good. So here we go, all set. Sound check. 1, 2, 3, 4. तो खुदा भी रूठे साथ छूटे ना। ओ अल्लाह वारिया ओ मैं तो आरिया ओ टूटे आरिया मिला दे और ओ अल्लाह वारिया मैं तो आरिया ओ टूटे आरिया मिला दे सर, आपको लगता है ये सॉन्ग हिट होगा? आई मीन्स आप पब्लिक इसे पसंद करेगी? तुम्हें डाउट है? नहीं सर, बस मैं पूछ रहा था कि आप ओके हो कि नहीं। 200%। रुको मैं अभी प्रूफ करता हूं। ए यू कम हियर। मैं? हाँ तुम यहां आओ। मुझे तुम्हारा ओपिनियन चाहिए, ऑनेस्ट ओपिनियन। ये गाना सुनो और बताओ तुम्हें ये कैसा लगा? बहुत बहुत अच्छा, एक बार सुनकर ही मेरा फेव। फेवरेट हो गया है। गाइस मेरे फैंस जो है ना, मेरी आवाज के दीवाने, क्रेजी फॉर माय वॉइस। मैं अच्छा गाओ बुरा गाओ गाना तो हिट ही होगा और सदियों तक लोगों की जुबान पर रहेगा। ऑलराइट, सही बोल रहा हूँ।
इससे क्या हो गया? वैसे सोच रहा है? एनीवेज ये तो बस डेमो था। फुल सॉन्ग मैं तब रिकॉर्ड करूंगा जब पैसे मेरे बैंक अकाउंट पर ट्रांसफर हो जाएंगे। मेरी ये बात आप लोगों के दिमाग में ट्रांसफर हुई कि नहीं? बट अभी सर लगता है हो गई। ग्रेट, लेट्स गो गाइस, हैव फन। मिल गया आइडिया। क्या कर रही हो? लोशन लगा रही हूँ। लोशन लगा रही हो, थोप रही हो और इसी शक्ल की बना के रखी है। ओह, तो तुम्हें वक्त मिल गया या तुम्हारा ध्यान मेरे ऊपर आ गया? थैंक यू सो मच। क्या हुआ? होना क्या है? अमीर एक उस दिन मैं ऑफिस में गई थी ना, वो भाई की एल्बम को सील करने के लिए, स्टूपिड रिसेप्शनिस्ट की वजह से मेरे हाथ पर कॉफी गिरी और हाथ चल गया। और क्या, नाउ आई एम वरीड कि कहीं दाग ना रह जाए, दैट्स व्हाई लोशन लगा रही हूँ। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था। अब ना तुम अपना दिमाग थोड़ा सा ठंडा कर लो, ठंडे दिमाग से मैं जो आइडिया बता रही वो सुनो। पर तुम्हें याद है जब वो टाइम जब अभी मेरे पीछे पागल हुआ करता था, जब मैं मॉडलिंग शो करती थी और रैंप वॉक पे मैं चलती थी और अभी मुझे देख के पागल हो गया था और मुझसे मिलने के लिए कितना डेस्परेट था, याद है? ओके, हमें वही सीन फिर से क्रिएट करना होगा, सेम सिचुएशन फिर से क्रिएट करनी होगी कि अभी मेरी खूबसूरती देखे और पागल हो जाए और मुझसे मिलने के लिए बेकरार हो जाए। ऐसा तुम्हें लगता है? और अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम क्या करोगे? अमीर, जैसे तुम सोच रही हो कि भाई तुम्हारे पास भागे भागे आ जाएंगे, अगर उसका ऑपोजिट हुआ तो? व्हाट इफ कि तुम उनके पास जाओ, उन्हें ऐसे अट्रैक्ट करने की कोशिश करो और वो तुम्हें पहचानने से मना कर दे, फिर क्या करोगे? सोचा तुम? अरे प्लीज ये कहने की कोशिश मत करना कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर अभी तुम्हें याद कर सकता है तो वो से जरूर मैं भी याद हूँ। अगर वो तुम पे आंख बंद करके विश्वास कर सकता है तो I'm sure वो मेरे पीछे भी पागल होगा। तो तुम बहाने बनाने की जगह मेरे साथ यहाँ पे बैठ के सीन बनाओ। ओके, आई थिंक अबाउट इट। मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? मैं जितना इस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हूँ उतना ही उसमें फंसती जा रही हूँ। जितना इनसे दूर जाने की कोशिश करती हूँ उतना ही सामने आ जा रही हूँ। मुझे इनके सामने नहीं आना, मेरी वजह से अगर इन्हें देखकर इन्हें कुछ नहीं हुआ, ना दिमाग पर कोई जोर पड़ा, ना ही कोई तकलीफ हुई। वो तो ठीक थे, नॉर्मल थे, मुझसे बात की। इसका मतलब मुझे इनसे दूर भागने की जरूरत ही नहीं, मैं इनके सामने जा सकती हूँ, इन्हें सामने से अपनी आंखों से देख सकती हूँ, इन्हें छू सकती हूँ, क्योंकि मैं इनके लिए सिर्फ एक अजनबी हूँ, एक फैन, इनकी क्रेजी फैन। All right then, later. Sir. Please, मुझे भी हाथ पर हार्ट वाला ऑटोग्राफ देना ना। I'm sorry, not now. Right? Sir, उसे कैसे दे दिया आपने? वो मेरी special fan है। और मैं अपने स्पेशल फैंस के हाथों में दिल बनाता ही नहीं, बल्कि दिल रख भी देता हूँ। आपको कैसे पता कि ये आपके स्पेशल फैन है? Who am I? रॉकस्टार। करेक्ट, मेरे सारे गाने हिट क्यों होते हैं? क्योंकि मुझे पता होता है कि मेरा कौन सा गाना मेरे फैंस को क्रेजी कर देगा और कौन सा नहीं। उसी तरह मुझे भी पता होता है कि मेरे कौन से फैंस मुझे लेकर क्रेजी और कौन से नहीं। उनकी आंखों में देखकर मैं दिल की बात जान लेता हूं। जहां मैं रहता हूं, मेरे स्पेशल फैंस ना
मेरे दिल के सबसे करीब होते। कोई बोले दरिया है कैसा कैसा है इश्क, कोई माने सहरा है कैसा कैसा है इश्क, कोई बोले दरिया है कैसा कैसा है इश्क, कोई माने सहरा है कैसा कैसा है इश्क, कोई सोने सा तोले रे कोई माटी सा बोले रे, कोई बोले के चांदी का है छुरा, होता ऐसे ये मौके पे रोका मैं इनके लिए इसलिए स्पेशल हूँ क्योंकि ये जानते हैं मेरे दिल में क्या है। कल से राज के लिए बस, मैं कल फिर से आ रहा हूँ, कल सबको ऑटोग्राफ नहीं दूंगा। ओके थैंक यू। इसका उसका ना इसका है जाने कितना है किसका है, कैसी भाषा में है लिखा इसके उसके ये हिस्से में तेरे मेरे ये किस्से में, मौला सीखे बिन दे सिखा कैसा ये इश्क है। निकल ही रही हूं बस 15 मिनट में। हाँ 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 ओके प्रॉमिस। अच्छा ठीक है पक्का पक्का पक्का। मैं बाद में बात करती हूँ। हेलो मैडम। ओ हेलो क्या हुआ घर नहीं जाना क्या? सुबह तो बहुत जल्दी थी तुम्हें घर जाने की, अब क्या हुआ? वो बोलो। दरअसल वो तुम्हें क्या लगा ये सचमुच अभी का दिल है? नहीं वो मैं लंच कर रही थी ना तो कुछ लगा हुआ था हाथ में तो मैं साफ कर रही थी लंच। शाम को कौन लंच करता है? शाम हो गई? हाँ जी शाम हो गई। इसका मतलब तुम लंच टाइम से अब तक अपने दिल को ही निखारी जा रही थी
वो नहीं मैं मैडम तुम गलत ट्रैक पे हो. वो रॉक स्टार है, रॉक स्टार. उसके आगे पीछे हजारों लड़कियां हैं. उसने हाथ पे एक दिल क्या बना दिया? तुम्हें लगा उसने तुम्हें दिल दे दिया? सपने देखना बंद करो. लाखों लड़कियां उसकी दीवानी है. भगवान किस किस के सपने पूरे करेगा यार. ये हाथ का ऑटोग्राफ तो निकल जाएगा मैडम, लेकिन हाथ से नौकरी नहीं जानी चाहिए. ये सपनों की दुनिया से बाहर आओ और काम पे ध्यान दो. ओके ओके जी भैया यार, सबको ही रॉक स्टार चाहिए. नजर ही नहीं आता. फिर भी नहीं, फिर भी नहीं. फिर भी नहीं दिखता. पता नहीं मेरा चार्जर कहाँ रखी गई है. अब बताओ, गेम क्लाइमेक्स में है और मेरी बैटरी डाउन. अब कहाँ से चार्ज करूं? आज तो इस लड़की ने हद ही कर दी. ये नहीं कि कम से कम हद तो कर दिए जानकी ने. हाँ उनकी है बीजी, कौन सी हद कर दी मैंने? मैं तुझे कितनी दफा कहा है कि मेरी जो चीज जहाँ से उठाया कर उसको वहीं रखा कर. चार्जर तूने कहाँ रखा है? बीजी मैंने कहीं नहीं रखा, आपने कहीं इधर उधर रख दिया होगा. हाँ कितना झूठ बोल रही है तू जानकी, मैंने तो हाथ भी नहीं लगाया. याद कीजिए बीजी, आप 2 घंटा पहले कहाँ बैठ के खेल रहे थे? 2 घंटे पहले कहाँ बैठी थी? हाँ नहीं नहीं वो टीवी के पास उधर सेटी पे बैठी थी और वो रहा मेरा चार्जर. इस गेम ने ना बिट्टी का ना दिमाग खराब कर दिया है. खुद को कुछ याद नहीं रहता और मेरा नाम लगाती है. बीजी आप एक काम करो, महीने के राशन की लिस्ट के साथ ना मेरी गलतियों की भी लिस्ट बना दो. जानकी महीना ना तेरी गलतियों के लिए कम पड़ेगा. महीने में कितने दिन होते हैं? 30, और तेरी गलतियां होती हैं 300. उसके लिए कम से कम घंटों की लिस्ट बनानी पड़ी और आपके मिनट के हिसाब से. 1 मिनट, मैं प्रज्ञा की बात कर रही हूँ और इधर आप दोनों अपनी लेके बैठ गए. हाँ अब क्या किया प्रज्ञा ने? पीछे प्रज्ञा ने दोपहर को फोन किया था. उसने कहा कि शर्मा जी की दुकान पे मिल जाना, वो कुछ हिसाब करना था. 20 मिनट से वहीं खड़ी हूँ लेकिन लड़की ना तो आई है ना तो फोन ही किया उसने. सरला तू भी हद करती. अरे नया नया ऑफिस है, काम में कहीं उलझ गई होगी, आ जाएगी. स्पेशल फैन है और मैं अपने स्पेशल फैंस के हाथों में दिल बनाता ही नहीं, बल्कि दिल रख भी देता हूँ. उनकी आंखों में देखकर मैं दिल की बात जान लेता हूँ जहाँ मैं रहता हूँ. मेरे स्पेशल फैंस मेरे दिल के सबसे करीब होते.
तुम किसी की बात मत सुनो, जो दिल कहे ना वही कर। और हाँ, ये मेरा ही दिल है जो मैंने तुम्हारे हाथों में दिया, इसे अपने सीने से लगा कर रखना। दिल से दिल मिलेंगे तो कभी अलग नहीं होंगे। रूठे तो खुदा भी रूठे, साथ छूटे ना। ओ अल्लाह वारिया। ए पार्टी, मैं अपनी फुग्गी के खुशी में रखना, मैं पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ कि मैं अपनी फुग्गी से कितना प्यार करता हूँ।